हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें काफी सारी अपडेट्स आई है। सबसे पहली अपडेट, ज्यादा बड़ी अपडेट ये है कि इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। काफी टाइम पहले से और काफी टाइम से मैं फ्रीक्वेंटली कमेंट पढ़ रहा था और आंसर भी कर रहा था कि एडमिशन कब स्टार्ट होगा, एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली द डेट इज अराइव्ड। आज से दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, सारी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी और सब कुछ आज जो गाइडलाइन है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज के वीडियो में उसी के ऊपर डिस्कशन होने वाले। फर्स्ट थिंग, लेट मी टेल यू अबाउट द टाइमिंग्स। ये टाइमिंग कौन से है? ये टाइमिंग है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के। तो आप देखिए, आज है 31 मई, यानी आज दोपहर 2 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने तक चलने वाला है। इट मीन्स दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, और सब कुछ डिस्कस करने के लिए आपके पास काफी सारा टाइम है। तो ये यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है इट विल एक्सटेंड। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो डेडलाइन दी होती है उसके बाद 1 वीक ज्यादा मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस साल 30,000 स्टूडेंट्स 40,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, बट इतना नहीं होता है। इसीलिए मैंने पिछले 2 साल से देखा है कि जो डेडलाइन होती है उसको 1 वीक तक लंबा देते हैं, उसको एक्सटेंड कर देता है, क्योंकि जो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू रजिस्टर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि रजिस्ट्रेशन कब करे, अब आज हुआ है तो आज ही कर दे। तो देखिये, बिल्कुल भी आपको इसमें ऐसा नहीं है। गुजराती में वो कहवत है जो पहला थे पहला, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है कि आप अपनी सेल्फ को, योर सेल्फ को रजिस्टर कर रहे हो एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो इसमें बिल्कुल भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज डेट ओपन हुई है तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली मेरी गाइडेंस ये है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहले आप रूल बुक है, जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो मेरा पूरा एक्सप्लेन करने में काफी मतलब टाइम लगेगा। तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए उसके लिए मैं सेपरेट रूल बुक के ऊपर आपको समझा दूंगा। तो आप पहले 2-3 बार हो सके उतने ज्यादा टाइम वो रूल बुक पढ़िए। आपने मान लीजिए कि 2 बार पढ़ लिया, फिर भी 3री बार पढ़िए। कुछ भी वर्ड आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल बुक में लिखा हो वो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले तो आप रूल बुक काफी टाइम मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। उसके बाद एक जो पीडीएफ है कि जिसमें पूरा फोटोग्राफ के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि कहाँ पे आपका फोटो आएगा, कहाँ पे आपको डिटेल एंटर करनी है, वो सब कुछ है। वो पीडीएफ भी एक बार जरूर से करनी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आप सब कुछ पढ़िए, समझिए, पीडीएफ को देखिए, उसके बाद 10 दिन बाद, 1 वीक बाद, 2 वीक बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें ऐसा मत करना कि आज स्टार्ट हुआ है तो आज ही कर दे, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। दिस इज द गोल्डन एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि आपको बिल्कुल भी हरीनेस नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप हो सके तो अपना जो बड़े भाई है, कजिन है, उसके साथ पहले कंसर्न कीजिए, डिस्कस कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके पास से पूछिए कि किस तरह से पूरी प्रोसेस चल रही है। सो फर्स्ट थिंग, कंसर्न विथ अदर, जस्ट दिस इज जस्ट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो क्या हमें कॉलेज भी लिस्ट भी अभी से दे देनी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ आपको अपनी सेल्फ को रजिस्टर ही करवाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। चॉइस फिलिंग में अभी काफी टाइम है। पहले मॉक राउंड आएगा, राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा, बट अभी वो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूंगी, आपको अपने सेल्फ को रजिस्टर करना है प्रोसेस के लिए, तो ये फेज ही अभी स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आपके पास काफी सारा टाइम है थिंक सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ठीक है। दिस इज जस्ट रजिस्ट्रेशन, इन दिस वीडियो, इन दिस यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। आपको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स EWS, SEBC, SC, ST और PWD कोई भी कैटेगरी में आते हैं ओपन में, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी कैटेगरी को 100% बिल्कुल भी उसमें मिस्टेक करे बगैर आपको सही से देखना है, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है और उसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये सबसे पहला टास्क होगा, रजिस्ट्रेशन के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब TFWS में जैसे मैंने बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा,
इनकम सर्टिफिकेट तो ये डेफिनेटली चाहिए। इसके अलावा SEBC, EWS कोई भी कैटेगरी में हो, कोई भी कास्ट में हो, तो उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको चाहिए। नॉन क्रिमिनल लेयर का पता नहीं, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट में आपको PDF जो है दूसरी, जिसमें रूल बुक है, गाइडलाइंस है, उसमें लिखा होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे अभी से, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रजिस्ट्रेशन का, कि कैटेगरी में बिल्कुल भी मिस्टेक अवॉइड करना है, ठीक है। सो एट द एंड मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एडमिशन प्रोसेस काफी स्मूथ रहता है, कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं होती है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी तो CBSE की एग्जाम जस्ट रिसेंट खत्म हुई है, काफी स्टूडेंट्स की चल रही है, तो अभी तो 15-20 दिन, 3 वीक, 4 वीक के बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद JEE होगी, JEE का रिजल्ट आएगा, उसका कट ऑफ होगा, तो अभी आपके पास काफी ज्यादा टाइम है थिंक करने के लिए, कॉलेज के बारे में सोचने के लिए, तो अभी बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एट द एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर हेल्प यू। मैंने नीचे मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका भी लिंक दिया है, सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी देयर। अगर आपको नीचे कमेंट में पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।